आज हम एमएस एक्सेस के अंदर यहाँ पे देखने वाले हैं कि रिपोर्ट कैसे तैयार करते हैं और कितने टाइप से अपन यहाँ पे रिपोर्ट बना सकते हैं। अब रिपोर्ट में सबसे पहले अपन समझ लें कि आखिर ये रिपोर्ट होता क्या है। तो यहाँ पे जैसे डेफिनेशन एक हमारे पास, तो इसे देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि रिपोर्ट, तो एमएस एक्सेस में जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट क्या एक ऑब्जेक्ट होती है। जैसे ही अपन ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि यहाँ पे एमएस एक्सेस के अंदर क्या है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जहाँ ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे टेबल, क्यूरी है, फॉर्म, इसी तरह यहाँ पे क्या होता है, रिपोर्ट होती है। तो ये क्या अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट का यूज यहाँ पे किया जाता है, तो उन्हीं ऑब्जेक्ट में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिपोर्ट होता है। तो रिपोर्ट का यूज यहाँ पे जैसा देखें कि डेटा को जो स्टोरेज है, यानी डेटा को जो कलेक्ट करने, अपन क्या है यहाँ पे एमएस एक्सेस के अंदर डेटा को कलेक्ट करके रखते हैं। अपन ने देखा टेबल बनाते हैं, टेबल में क्या होता है, डेटाबेस स्टोर होता है। अपन ने यहाँ पे फॉर्म डिजाइन करते हैं, तो फॉर्म किस लिए होता है कि अगर किसी अपने को डेटा इनपुट करवाना है, तो इनपुट करवाने के लिए यहाँ पे क्या है, फॉर्म का यूज किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे क्या है, डेटा जो इनपुट हुआ है, जो हमारे पास स्टोरेज है, उसको यदि हमें क्या है, प्रिंट आउट निकालना है, यदि उसको एक बेसिकली अपन यहाँ पे जैसे बात करें सीक्वेंस में स्टोर करके, अब फिर उसे क्या है, अपने सीनियर्स को प्रोवाइड करना है या अपने एम्प्लाई को यहाँ पे देना है। तो इस तरह से हमें क्या करना पड़ता है, ये रिपोर्ट बनानी पड़ती है। जैसे मान लो अपन क्या है, कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, उसमें क्या अपन जो एनुअली क्या होता है, वहाँ पे काम होता है, उसकी अपन को रिपोर्ट बनानी होती है। ऐसे क्या है, कहीं कॉलेज पे काम करते हैं, इंस्टीट्यूट पे काम करते हैं, तो हमें क्या हर जगह कहीं यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट बना के देना पड़ता है। तो अपने सीनियर्स को क्या है, यहाँ पे रिपोर्ट देनी होती है। तो अब इस रिपोर्ट को एमएस एक्सेस के अंदर यदि हमारा डेटा है, तो उससे अपन कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं, सॉफ्टवेयर में बैकअप में बैक एंड पे एमएस एक्सेस या एसक्यूएल जैसी जो डेटाबेस स्टोरेज है, इनका यूज किया जाता है। तो यदि एमएस एक्सेस का यूज किया जा रहा है और वहां पे क्या, हमें जो भी डेटा स्टोर है उसकी हमें एक बेस रिपोर्ट बना के देनी है, तो वो अपन कैसे देंगे। साथ ही यहाँ पे क्या है, यदि आप क्या डिस्प्ले करने के लिए, और या फिर आप क्या करते हैं डेटा को प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट बनानी होती है। इसके बाद यहाँ पे आप डेटाबेस विंडो में आप सेव किए हुए पूरे डेटाबेस की रिपोर्ट पा सकते हैं, यानी आपके पास पहले से जो डेटा बना हुआ है उसकी आप यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट बना के डायरेक्टली क्या है, रिपोर्ट में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अपन, तो यहाँ पे जैसा कि आपको सीनियर्स को रिपोर्ट बना के देनी है, तो उसके लिए एमएस एक्सेस में जो रिपोर्ट ऑप्शन है, रिपोर्ट ऑब्जेक्ट है, उसका आप यूज कर सकते हैं। साथ ही आपको डेटा शेयर करना है, क्योंकि आपका डेटा यहाँ पे स्टोर क्या, टेबल के फॉर्म में होता है, तो आप उस टेबल को तो शेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या उस टेबल का डेटा को आपको क्या एक रिपोर्ट में, एक प्रिंट आउट फॉर्म में बनाना पड़ता है, और इसके बाद फिर आप शेयर कर पाते हैं, चाहे आप उसे एक्सपोर्ट करके रखें या पीडीएफ में, जैसे आप नए वर्जन जो एमएस एक्सेस के आ रहे हैं उनमें क्या होता है, जैसे आप डेटा सेव करते हैं तो उसमें पीडीएफ का ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट करने का, तो आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके भी शेयर कर सकते हैं, या फिर रिपोर्ट में बना के यहाँ पे रिपोर्ट आप डिजाइन करें, उसका पीडीएफ में कन्वर्ट करें और इसके बाद शेयर कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है, जो रिपोर्ट होती है यहाँ पे, इसको तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला तो यहाँ पे आता है हेडर, तो हेडर आता है, फिर इसमें डिटेल है, और यहाँ पे फुटर। तो हेडर में क्या होता है, हेडर ये टॉप में सबसे ऊपर होता है, और इसमें रिपोर्ट की हेडिंग होती है। अब उस हेडिंग में आप कंपनी का टाइटल, इंस्टीट्यूट का टाइटल, जहाँ की आप रिपोर्ट तैयार करें उसका टाइटल रखना है, आप वहाँ पे डेट रखना है, तो डेट रखना है, लोगो लगाना है, तो इस तरह की चीजें आप क्या हेडर में कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, इसमें टेबल की फील्ड भी लेबल दे सकते हैं, जो नहीं जो फील्ड्स होते हैं, यानी किस किस से रिलेटेड किस कॉलम में डेटा है, उनकी फील्ड्स आप वहाँ पे बना सकते हैं या ऑटोमेटिक वो क्रिएट हो जाती हैं। फिर यहाँ पे जो सेकेंड पार्ट आता है वो डिटेल्स का आता है, तो बीच में क्या होती है, जो जिस भी इंफॉर्मेशन की आप रिपोर्ट बना रहे हैं जिस डेटा का, तो उसकी जो बेस मेन इंफॉर्मेशन है, तो वो कहाँ पे होती है, डिटेल्स में, यहाँ पे इससे बीच के पार्ट में होती है, जिन्हें डिटेल्स फील्ड कहा जाता है।
इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, फुटर होता है। फुटर में क्या, सबसे नीचे वाला पार्ट होता है पेज का, जिसमें यहाँ पे क्या, यदि आपको रिपोर्ट के लास्ट में पेज नंबर वगैरह इंसर्ट करना है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, रिपोर्ट की अगर टाइप की बात की जाए तो यहाँ पे जैसे मेन तीन टाइप दिए गए हैं, कॉलमर रिपोर्ट, टेबुलर रिपोर्ट और जस्टिफाइड। तो यहाँ पे यदि अपन बात करें कॉलमर की, तो इसमें क्या होता है, ये सभी प्रकार की जो स्टाइल है यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइस के लिए यूज किया जाता है, यानी जो इनवाइस वगैरह होती है या एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करवाए जाते हैं उनकी यदि रिपोर्ट तैयार करनी है तो उसके लिए कॉलमर का यूज होता है, और इसमें कॉलम में डेटा स्टोर होगा। ऐसे यहाँ पे क्या आता है, टेबुलर रिपोर्ट, तो इस रिपोर्ट में क्या है, सभी रिकॉर्ड एक साथ दिखाई देते हैं और इस फील्ड में टेबल फॉर्मेट में होते हैं, यानी यहाँ पे क्या है, जो डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में होता है और इसमें एक रिकॉर्ड को दूसरे रिकॉर्ड से अलग करने के लिए एक लाइन का यूज किया जाता है, यानी बीच में लाइन होती है जिससे दूसरे रिकॉर्ड को अलग किया जाता है। इसी तरह यहाँ पे जस्टिफाइड होता है, तो जस्टिफाइड क्या है, एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट होती है जो ऑटोमेटिक सेटअप यहाँ पे सेट हो जाती है, और इसमें क्या होता है, इस रिकॉर्ड में वन टाइम पे एक ही रिकॉर्ड दिखाई देता है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है, जो रिपोर्ट है उसके तीन टाइप होते हैं, अपन इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। और साथ ही अगर हम बात करें यहाँ पे रिपोर्ट की, तो यहाँ पे दो टाइप और दिए गए हैं, ये आपके एक तो सिंगल टेबल रिपोर्ट और मल्टी टेबल। तो सिंगल टेबल रिपोर्ट क्या होती है कि जब एक टेबल से डेटा लेके रिपोर्ट को तैयार किया जाता है तो उसे क्या सिंगल टेबल कहा जाता है, सिंगल टेबल रिपोर्ट। और जहाँ पे क्या एक से अधिक टेबल का डेटा रख के डेटा को स्टोर किया जाता है और उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, तो जब मल्टीपल टेबल की रिपोर्ट तैयार होती है तो उसे मल्टी टेबल रिपोर्ट कहा जाता है। अब अपन इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं कि आखिर ये रिपोर्ट को बनाएंगे कैसे। तो इसके लिए अपन यहाँ पे एम एस एक्सेस पे आते हैं, और जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहले से कुछ डेटा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे ये डेटा है तो अगर हम इसको ओपन करें कस्टमर की, तो आप देख सकते हैं कस्टमर में यहाँ पे इसकी आईडी, नेम, एड्रेस वगैरह फील है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, यदि अपन स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ओपन करें तो यहाँ पे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो अब हमें क्या करना है, ये तो टेबल के फॉर्म में स्टोर है लेकिन हमें रिपोर्ट शेयर करना है लोगों को या फिर अपने सीनियर को शेयर करना है, तो उस कंडीशन में क्या है, इसको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो रिपोर्ट कैसे बनेगा, आप यहाँ पे क्रिएट जो टैब होता है एम एस एक्सेस के अंदर, क्रिएट टैब, और क्रिएट टैब में आपको मिलता है रिपोर्ट ग्रुप, तो यहाँ पे रिपोर्ट्स ग्रुप दिया हुआ है। अब आप इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या दो टाइप मिलते हैं, एक तो रिपोर्ट और दूसरा रिपोर्ट डिजाइन। तो यदि आप रिपोर्ट का यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोमेटिक रिपोर्ट क्रिएट हो जाती है, लेकिन यदि आप रिपोर्ट डिजाइन का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपको डिजाइन फील्ड मिलता है जहाँ पे डिजाइन आपको एक प्लेस मिलेगा, और उस प्लेटफॉर्म पे आप क्या करेंगे, अपने जो डेटा है इनको आपको इंसर्ट करवाना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट का यूज देखते हैं। तो जैसे ही अपन क्या करेंगे, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन पे हैं और इसको अपन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हो जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है उसका जो लेआउट है वो आपको शो हो रहा है। अभी ये क्या है, रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट का लेआउट शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन जो हेडिंग है, यहाँ पे डेट टाइम आ रहा है, साथ ही यहाँ पे लोगो आ रहा है, और इसके बाद ये जो कॉल डैशेज है, डैश के बाद जो डेटा है, ये डेटा क्या नेक्स्ट पेज में आएगा, तो इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसकी साइज वगैरह है आपको यहाँ से क्या है सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेटा ओवर जा रहा है। तो अपन जैसे इसको सेट कर लेते हैं, अब जैसा कि अपन ने इसको सेट कर दिया है, अब इसमें क्या यहाँ तक का डेटा आ रहा है, अभी भी ये डेटा कट रहा है, तो ये डीसीए वाले जो कोर्स के फील्ड है इनको अपन कम करते हैं, ऐसे यूनिवर्सिटी। अब क्या यहाँ पे एड्रेस तक तो आ गया लेकिन अभी ईमेल आईडी नहीं आ रही है, तो अपन यहाँ पे रोल नंबर का फील्ड काफी ज्यादा है, इसको अपन कम कर लेते हैं। नेम और ये अपन मिडिल नेम इसको भी कम करते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि जो डेटा है वो डेटा क्या है, आपका यूनिवर्सिटी कॉन्टेक्ट तक आ चुका है। अब ये जैसे यहाँ पे एड्रेस है, अब एड्रेस के बाद मेल आईडी और फोटो, तो इसको यदि अपन को लेके आना है तो अपन यहाँ पे क्लिक करें, जैसे इस स्पेस को कम करें, तो अभी भी क्या है अपना मेल आईडी अभी बाहर है डेस्क के, अपन फिर भी साइज कम करते हैं इसको,
और यदि नहीं आएगा तो अपन इसके जो पेज की साइज है वो चेंज कर देते हैं। तो अभी क्या लैंडस्केप है, अपन इसको ये पोर्ट्रेट है, अपन इसको लैंडस्केप में कन्वर्ट कर लेंगे, तो जिससे इंफॉर्मेशन क्या है सभी एक पेज में शो हो जाएगी। अब ये क्या है, अपन का लेआउट व्यू है, आप देख सकते हो लेआउट में आपको रिपोर्ट कुछ ऐसी मिलेगी। यहाँ पे ये हेडर कहलाता है जो आपको टॉप में शो हो रहा है, यहाँ पे जो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पे जो फील्ड के नाम दिए हुए हैं ये सभी क्या हेडर के अंदर हैं, और बीच में ये डिटेल रखी हुई है। ऐसे अपन लास्ट पे आएंगे, तो जैसे ही सबसे लास्ट पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेज नंबर दिया हुआ है, नंबर ऑफ पेजेस, तो यहाँ पे क्या होता है फुटर होता है। तो ये क्या तीन पार्ट में कन्वर्ट है। अब इसको आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से हमें क्या करना है, इसका रिपोर्ट व्यू, अभी देखेंगे आपके लेआउट व्यू ये सेलेक्टेड है, अपन रिपोर्ट व्यू पे आएंगे। तो अब आप देख सकते हो इस तरह से आपकी रिपोर्ट क्या है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। अब इसका यदि अपन प्रिंट व्यू देखें, राइट क्लिक प्रिंट और प्रीव्यू, तो जैसे ही अपन प्रिंट व्यू देखते हैं कि प्रिंट करने पे कैसा दिखाई देगा, तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं प्रिंट करने में यहाँ पे आपका हेडिंग वगैरह तो सही आ रही है, इसमें जो मेल आईडी है ये आ रहा है, लेकिन इसके बाद जो फोटो थे वो नहीं शो हो रही है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें जो पेज की साइज है वो अभी क्या आ रही है पोर्ट्रेट आ रही है, तो अपन यहाँ पे पेज लेआउट पे आएंगे और इसको लैंडस्केप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अपन ओके करते हैं, तो अपन क्या इसको पेज की जो विड्थ है वो चेंज कर रहे हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे अपन ने इसको पोर्ट्रेट से लैंडस्केप कर दिए हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज भी शो हो रही है, यहाँ पे जो डेटा है वो कुछ आपका ऐसा शो हो रहा है। अब जैसे कोई डेटा आपका यहाँ पे हाइड हो रहा है, अब इसको आप क्या प्रॉपर स्पेस वगैरह जो है इसको आप मैनेज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अपन बात करें मार्जिन का, तो ये मार्जिन वगैरह के पेज की सेटअप के लिए अपन ने वर्ड वगैरह में देखा था कैसे सेट करते हैं। और इसके बाद अपन इसको क्लोज करें, क्लोज करने के बाद अभी अपन यहाँ पे ले इसका जो फॉर्म भी है इस पे है, अपन लेआउट व्यू पे आए। अब लेआउट व्यू पे आने के बाद जैसे ये इसमें क्या है, ये जो डैशेस वगैरह यहाँ पे क्या होता है अपन क्लिक करें, और इनकी जो साइज है ये ईमेल की साइज काफी ज्यादा थी, अपन इसको कम करते हैं, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी जैसे पास में, तो इसको थोड़ा अरेंज कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे मिडिल नेम थोड़ा हाइड हो रहा है, तो अपन ये छोटी छोटी जो चीजें हैं इनको अपन यहाँ पे अपने से मैनेज कर सकते हैं। अब अभी यहाँ पे लग रहा है कि ये क्या प्रिंट नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं, अपन इसको जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट टाइम पे क्या करेंगे, पोर्ट्रेट यहाँ पे क्या लैंडस्केप फॉर्मेट का यूज करेंगे, और उससे क्या होगा आपका जितना डेटा है वो सभी प्रिंट हो जाएगा। अब इसके बाद आता है कि रिपोर्ट आपकी जो तैयार हुई है इसका आपको क्या लेआउट वगैरह चेंज करना है, फॉर्मेट चेंज करना है, तो आप आओगे फॉर्मेट ऑप्शन पे, फॉर्मेट टाइप के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन, यहाँ पे आप देखें कई सारे फॉर्मेट हैं, आप इन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्लिक करेंगे इनका जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे क्या है चेंज हो जाता है, तो आप जैसा फॉर्मेट रखना चाहें वैसा आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट विजार्ड का भी ऑप्शन है, जो डिफॉल्ट रूप से क्या होते हैं सेट होते हैं उनका भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अपन यहाँ पे जैसे किसी एक को सेलेक्ट करें, अभी प्रॉपर सही नहीं आ रहा, आपको यहाँ पे क्या जो अच्छा लगे वो आप रख सकते हो। और इसके बाद अपन यहाँ पे क्या है राइट क्लिक और रिपोर्ट व्यू, तो आपकी जो रिपोर्ट है वो आप तैयार हो चुकी है। तो आप देखोगे नॉर्मल डेटा, यदि आप देखो यहाँ पे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन का ये टेबल के फॉर्मेट में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, लेकिन जब आपने इसे रिपोर्ट में तैयार कर दिया तो रिपोर्ट में देख सकते हैं कैसा शो हो रहा है। तो इस तरह से आप एक बेसिक से डेटा को जो टेबल के फॉर्मेट में होता है तो उसे ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या है जो रिपोर्ट है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट में क्या है आपको डेटा इसमें प्रिंट आउट शेयर करना या आपको पीडीएफ शेयर करना वो आसान होता है, और इसमें क्या समझने में भी आसानी होती है। अब जैसे अलग अलग डेटा सेटअप है तो यहाँ पे समझ सकते हैं 103, यदि आपका ये टॉप में हेडिंग क्या है ऊपर भी चली जाती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 104, फिर इसका दीपक नाम है दीपक कुशवाहा, फिर इसके बाद यहाँ पे कोर्स और ये अपन यूनिवर्सिटी का नाम, फिर यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ना कॉन्टेक्ट नंबर, डेटा यहाँ पे क्या है एड्रेस, फिर ईमेल आईडी, फिर फोटो, तो इस तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन तैयार हो जाती है।
ऐसे यदि आप क्या कस्टमर पे हैं, आप कस्टमर का इसका हमको रिपोर्ट तैयार करनी है, तो हम क्या करेंगे क्रिएट टैब पे, और यहाँ पे सिंपल सा जो रिपोर्ट का ऑप्शन होता है पहला, इसी पे क्लिक कर देंगे। तो ये क्या रिपोर्ट फॉर्मेट तैयार हो गया। अब इसमें स्पेस वगैरह है वो आप यहाँ से मेंटेन कर सकते हो। आपको सिंपल सा अभी क्या लेआउट व्यू है, तो लेआउट व्यू में आने के बाद इसको आपको क्या है एडजस्ट कर लेना है। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या है आपको क्लिक करना है उस फील्ड पे, और फील्ड पे क्लिक करने के बाद फिर आप उसे मैनेज कर सकते हैं। अब इसको आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अब जैसे क्या आता है ये जो फील्ड है, यहाँ पे अगर अपन बात करें एक कस्टमर दिया हुआ है, तो कस्टमर क्या इसकी हेडिंग है, आप इसको चेंज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे अपन क्लिक करें और हम यहाँ पे क्या है कस्टमर इंफॉर्मेशन, ऐसे अपन हेडिंग चेंज करना चाहें ये कर सकते हैं। लोगो वगैरह चेंज करना है, ये लोगो भी आप चेंज कर, यहाँ पे क्या करना है सिंपल सा आपको या तो राइट क्लिक करें प्रॉपर्टी पे जा सकते हैं, या अपन आए यहाँ पे लोगो का ऑप्शन है। अब लोगो ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे क्या आपको जो पिक्चर इंसर्ट करने का वो ऑप्शन ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है पिक्चर को सेलेक्ट कर लेना है, सिंपल सा क्लिक करके किसी पिक्चर को सेलेक्ट करना है, इसके बाद ओके। और यहाँ पे अपन क्या करें जैसे ओके करें तो आप देख सकते हो जो लोगो है वो चेंज हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे डेट टाइम वगैरह का है, तो ये डेट टाइम है आपको इंसर्ट करना है या इसको चेंज करना है, आप वो चेंज भी कर सकते हो, इसी पे आप क्लिक करो तो आप क्या है इसको चेंज कर पाएंगे। इसी तरह यहाँ पे क्या होता है यदि आप ऐड फील्ड पे जाते हो, तो आप ऐड फील्ड पे यहाँ पे देख सकते हैं टेबल के फील्ड शो होते हैं, जितनी टेबल होती हैं अब उनके अंदर जो यहाँ पे फील्ड है उनको आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से क्या होता है आपको टेबल रिपोर्ट, किसी भी टेबल का रिपोर्ट तैयार करना है तो आप आसानी से क्या है यहाँ पे जो रिपोर्ट का ऑप्शन होता है उसका तैयार कर सकते हैं। तो ये आपकी एक तरह से रिपोर्ट तैयार हो जाती है। अब इसमें आता है कि रिपोर्ट बनाने के जो अलग ऑप्शन दिए हुए हैं तो उनका यूज कैसे करेंगे। तो अपन जैसे वापस आए, इनको अपन क्या रिपोर्ट को क्लोज कर देते हैं, कस्टमर नाम कस्टमर अपन रिपोर्ट कर देते हैं, और इसके बाद ओके। ऐसे अपन स्टूडेंट की है इसकी रिपोर्ट भी अपन यहाँ से क्लोज करते हैं और ओके। तो ये जैसे यहाँ पे दो रिपोर्ट यहाँ दोनों क्लोज हो चुकी हैं। अब हमारे पास सिर्फ दो टेबल हैं, एक तो कस्टमर है और दूसरी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन है। अब हम आते हैं वापस क्रिएट पे, जैसे क्रिएट ग्रुप पे आएंगे क्रिएट टाइप के अंदर, तो यहाँ पे हमें मिलता है रिपोर्ट ग्रुप। इसमें अपन ने रिपोर्ट का देखा कि डायरेक्ट यह रिपोर्ट में कन्वर्ट हो रहा है टेबल, लेकिन यहाँ पे लेबल ब्लैंक रिपोर्ट रिपोर्ट विजार्ड ये किस लिए दिए हुए हैं। अब लेबल में क्या होता है, जैसे आप लेबल में क्लिक करोगे तो यहाँ पे कई सारे जो फॉर्मेट है तो लेबल की साइज वगैरह वो दी हुई है, तो आप इनका यूज कर सकते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे फॉन्ट वगैरह आपको जैसे फॉन्ट की साइज वगैरह यहाँ पे इंक्रीज करनी है, फॉन्ट का कलर है वो कलर आपको यहाँ पे जैसे अपन इस कलर चेंज कर देते हैं ओके करते हैं। ऐसे क्या होता है यहाँ पे लाइट, तो अपन लाइट की जगह एक्स्ट्रा लाइट कर देते हैं, या ये फॉन्ट के वेट है वो आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इटैलिक अंडरलाइन करना है वो आप यहाँ पे करेंगे, एरियल की जगह आपको एरियल यहाँ पे एरियल करना है, या अपन एरियल नैरो कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें क्या आता है ये व्हाट डू यू लाइक ऑन योर मेलिंग लेवल, तो मेलिंग लेवल में आपको जो रखना है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे रोल नंबर रखते हैं। इसी के साथ यहाँ पे क्या है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पे क्या है ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो गया। ऐसे अपन इसका कॉन्टेक्ट ले लेते हैं, सिर्फ अपन इतनी चीजों का यहाँ पे क्या है जो रिकॉर्ड है वो बना रहे हैं। और इसके बाद अपन इसको नेक्स्ट करते हैं। अब इसमें आता है बीच फील्ड यू लाइक टू सॉर्ट बाई, तो सॉर्टिंग के लिए कौन सा फील्ड यूज करना है, तो अपन सॉर्टिंग के लिए इसका रोल नंबर यूज कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे क्या प्रिंट सी द लेबल्स एज दे विल लुक प्रिंटेड, तो अपन को मॉडिफाई नहीं करना है फिलहाल प्रिंटेड करना है। अपन फिनिश करेंगे तो आप देख सकते हो जो रिपोर्ट है ये जैसा लेबल आपने सेलेक्ट किया था उसी के फॉर्मेट। अब इसमें क्या बीच में डेटा में आप देखोगे स्पेस वगैरह नहीं है इसमें,
इसमें रोल नंबर आ गया, नेम है, और इस कांटेक्ट नंबर है, ये सभी क्या एक साथ आ रहा है। अब राइट क्लिक करें, इसका यहाँ पे क्या आता है, लेआउट व्यू आता है। तो लेआउट व्यू अब इसमें क्या होगा, एक ही फील्ड के अंदर उसने ये सारा डेटा दे दिया है। तो आपको ये जो लेबल होते हैं तो इनका यूज करके आप यहाँ पे क्या रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। और जैसे पर्टिकुलर किसी एक फील्ड का, अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ हमको नाम यदि प्रिंट कराना होता है तो फर्स्ट लास्ट और मिडिल नेम तीनों को मिला के अपन प्रिंट करवा सकते थे। जैसे सिंपल सा अपन स्टूडेंट पे आए और क्रिएट पे, इसमें जैसे अपन यूज करते हैं लेबल का, अब लेबल में हम क्या जो फॉर्मेट सिलेक्टेड है वही अपन यूज करते हैं, या कोई और आपको यूज करना है तो अपन जैसे यहाँ पे क्या है चेंज कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे कलर साइज वगैरह जो फॉन्ट की है वो अपन 14 करते हैं, लाइट की जगह अपन बोल्ड करेंगे, और कलर अपन को यहाँ पे चेंज करना है तो अपन क्या कलर इसका चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, अब यहाँ पे क्या आता है मेलिंग लेवल, तो अपन इस फर्स्ट नेम और इसी तरह लास्ट नेम, और ये अपन तीनों जो नेम है फर्स्ट मिडिल और लास्ट नेम तीनों ऐड करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे सॉर्टिंग के लिए तो अपन क्या रोल नंबर इंसर्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं और फिनिश करते हैं। सम डेटा में नॉट बी डिस्प्ले, ओके। अब इसमें क्या होगा, ये सॉर्टिंग इसलिए नहीं हुआ क्योंकि रोल नंबर अपन ने अटैच ही नहीं किया था। तो आप देखोगे यहाँ पे जो डेटा आ रहा है वो यहाँ पे आपको नाम शो कर रहा है, यहाँ पे जो आपने नाम दिया था फर्स्ट लास्ट और मिडिल तीनों मिक्स करके आपको शो हो जाता है। अपन राइट क्लिक करें, लेआउट व्यू पे आते हैं, अभी क्या प्रिंट व्यू था, तो लेआउट व्यू आप देख सकते हो कुछ ऐसा शो होता है। अब इसको आपको अरेंज करना है तो आप यहाँ पे क्या है अरेंज कर सकते हो। अब इसके अंदर का डेटा अरेंज करना वो तो होगा नहीं, अपन इसका राइट क्लिक करें और ये डिजाइन व्यू पे जाएं, तो डिजाइन व्यू के यदि अपन आते हैं तो यहाँ पे क्या है आप देख सकते हैं कंडीशन लगी हुई है। कंडीशन क्या लगी हुई है यहाँ पे, इक्वल साइन ट्रिम फर्स्ट नेम एंड लाइक मिडिल नेम, और इसके बाद यहाँ पे क्या है एंड करके लास्ट नेम, ये कंडीशन लगी है। और इसी कंडीशन के बेस पे क्या है जो डेटा है वो वहाँ पे शो होता है। अपन जैसे स्पेस करें इनका और फिर अपन राइट क्लिक और इसको अपन प्रिंट व्यू देखते हैं, तो यहाँ पे क्या स्पेस आया, लेकिन स्पेस क्या है ये सभी के नाम में आ रहा है। डिजाइन व्यू करें, सिंपल सा, और इसका अपन रिपोर्ट व्यू, ये एंटर पैरामीटर पूछ रहा है, तो अपन जैसे यहाँ पे पैरामीटर, तो पैरामीटर ये पूछता है कि जैसे अपन क्या करते हैं जो भी आप पैरामीटर देना चाहते हैं, तो अपन क्या इसको डिजाइन व्यू और फिर राइट क्लिक करें और इसको ओपन करें रिपोर्ट व्यू पे। मिडिल नेम पूछ रहा है तो अपन इसका मिडिल नेम दे देते हैं, एंटर करेंगे। लास्ट नेम तो अपन इसका लास्ट नेम एक्सेप्ट करते हैं। अब आप देखो जो आपने मिडिल नेम और लास्ट नेम दिया है वो सभी नाम के आगे यहाँ पे क्या है अटैच करके आपको शो कर रहा है। तो इस तरह से क्या है आप पैरामीटर वगैरह जैसे सेट करते हैं उसके लिए होता है कि आप जो नाम देंगे पैरामीटर पे वही नाम क्या सभी के आगे शो कर देगा। तो ऐसे क्या होता है जैसे आपको नाम की जगह डिपार्टमेंट वगैरह होता है वो आप सेट करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो ये अपन ने देखा कि अपन क्या है इसमें लेवल से कैसे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अब लेवल से अच्छा आपको जो रिपोर्ट का ऑप्शन है वो सही पड़ेगा। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, इसमें यहाँ पे आता है ब्लैंक रिपोर्ट का। तो ब्लैंक रिपोर्ट में क्या होगा, आपको एक ब्लैंक फॉर्म मिल जाए, ब्लैंक फील्ड, जैसे रिपोर्ट आती है ऐसे ब्लैंक फील्ड आपको मिलेगा। अपन सिंपल सा इस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होता है ब्लैंक फील्ड मिल रहा है, और इसमें इस प्लेटफॉर्म में आपको क्या करना है जो भी डेटा इंसर्ट करवाना है, तो ये आपको साइड में टेबल के फील्ड मिलते हैं, टेबल और टेबल के फील्ड। तो आपको जो भी फील्ड अटैच करना है आप उस पर क्या करेंगे डबल क्लिक, तो आप देखेंगे जैसे आप डबल क्लिक करते हैं तो वो डेटा क्या होता है यहाँ पे रिपोर्ट पे शो हो जाता है। सिंपल सा आपको क्या है टेबल ओपन करना है और डबल क्लिक, तो ये शो हो गया। अब ये क्या है अभी लेआउट व्यू है,
आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं तो अपन यहाँ पे जैसे फॉर्म का लेआउट है वो सेट करते हैं, और ऐसे यहाँ पे लाइन का कलर वगैरह है तो वो आपको लाइन का कलर देना है, तो अपन जैसे यहाँ पे लाइन का कलर रेड कर देते हैं। अब क्या ये सभी में चाहिए, तो अपन क्या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ, अपन शिफ्ट के साथ अपन सभी में क्लिक करेंगे, ये सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद लाइन कलर रेड करते हैं, यहाँ पे लाइन की जो थिकनेस है वो अपन क्या है बढ़ा देते हैं, काफी ज्यादा हो गई अपन इसको कम करें, और इसको सिंपल सी लाइन अपन रखना है। तो आप देख सकते हो जो रिपोर्ट है ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। अब ऐसे क्या होता है, यहाँ पे हेडिंग है, अब ये फील्ड क्या है काफी ज्यादा है, तो अपन इसको कम करते हैं यहाँ से। तो अपन जैसे इनको क्या शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करें, तो जितनी टेबल है उसके बेस बेस पे अपन क्या करते हैं इसको साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से जो टेबल ये जो डेटा है ये आपका क्रिएट हो चुका है। अब ये क्या रिपोर्ट है, और इस पे अपन क्या करते हैं राइट क्लिक और इसको रिपोर्ट व्यू, तो आप देख सकते हैं रिपोर्ट व्यू कुछ ऐसा आएगा, लेकिन अभी क्या इसका अपन लेआउट पे ही आते हैं। और लेआउट पे जैसे अपन आएंगे लाइन की जो थिकनेस है ये अपन के यहाँ से कम करते हैं, तो अपन क्या सभी को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे शिफ्ट के साथ, क्या करना है सभी पे क्लिक करना है, सभी सेलेक्ट हो जाएंगे और सभी की लाइन थिकनेस यहाँ पे क्या है कम कर देनी है। कलर भी अपन इसको क्या है ब्लैक कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसी सो होगी। अब जैसे इसके अपन लोगो वगैरह लगाना है तो अपन लोगो पे क्लिक करेंगे, किसी भी फोटो को अपन क्या यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ओके, ऐसा लोगो सेट हो गया। अब टाइटल लेके आना है तो आप देखोगे यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर ही टाइटल का ऑप्शन है। अब इसमें रिपोर्ट, ये रिपोर्ट किसके है यहाँ पे जैसे देखें कस्टमर की है, तो अपन इसका नाम लिख सकते हैं कस्टमर रिपोर्ट। तो यहाँ पे क्या जैसा देख सकते हैं ये इसका जो हेड टाइटल है ये चेंज हो गया। अब इसके आपको फॉर्मेट चेंज करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या है ये जो रिपोर्ट का टाइटल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, साइज वगैरह इसे इसकी इंक्रीज करें। अब यहाँ पे क्या आपको सिंपल सा रखना है और इसको अपन जैसे सेंटर कर देते हैं, तो आप देख सकते हो रिपोर्ट का टाइटल है वो भी सेट हो गया है। अब इसको थोड़ा मूव करना है तो अपन इसको मूव कर लेते हैं जिसे सेंटर में शो। अब यहाँ पे आता है जैसे ये टेस्ट हो गए, तो टेस्ट को अपन क्या यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, ये क्या हेडिंग है तो अपन हेडिंग सेलेक्ट करते हैं यहाँ से इनको सेंटर, और इसकी अपन साइज इंक्रीज करते हैं जैसे इसको बोल्ड करें, साइज पे आना है और इस साइज को अपन यहाँ पे क्या करते हैं चेंज कर देते हैं जैसे अपन 15 करते हैं, तो आप देख सकते हो नॉर्मल टेस्ट से ये क्या है अलग दिखेगा। अब ऐसे क्या है इनकी जो लाइन थी, लाइन अपन इसको रिमूव कर देते हैं, लाइन यहाँ पे सही नहीं है, तो अपन इसको करेंगे ट्रांसपेरेंट। अब ये क्या है डेटा देखने में थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन अभी भी क्या है जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे क्या है सेंटर में नहीं है, तो डेटा को सेंटर में कैसे करेंगे, ये सेंटर का ऑप्शन है। तो इस तरह से आपका एक बेहतर रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे पेज नंबर की अगर बात करें तो डेट यहाँ पे क्या डेट टाइम का, तो ये सबसे पहले डेट टाइम, तो अपन यहाँ पे सिंपल सा किसी भी डेट फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं, और टाइम फॉर्मेट ऐसे अपन यहाँ पे क्या है 4 जून ओके करें, तो यहाँ पे जो डेट है ये शो हो जाती है। इसको अपन सेट करें। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है जैसे
ये तो हुआ टॉप का। ऐसे बॉटम में क्या करना है, पेज नंबर रखना है, तो अपन पेज नंबर पे क्लिक करेंगे, नंबर ऑफ पेजेस या पेज नंबर, बॉटम, ये टॉप ऑफ पेजेस आ रहा है तो ये अपन बॉटम ऑफ पेजेस करते हैं, इसको ओके करेंगे। तो आप देखोगे जैसे नीचे आओगे तो यहाँ पे जो पेज नंबर है वो शो हो जाते हैं। अब इस फील्ड को अपन क्लिक कर दें। अच्छा यहाँ पे मल्टीपल करना है तो आप जैसे ऐड फील्ड पे आते हैं, ऐड एक्सेशन फील्ड, तो आप यहाँ पे एक टेबल के अलावा दूसरे टेबल का आपको डेटा इंसर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल सा आपको उसके टेबल ओपन करना है और जैसे प्रोडक्ट पे आए और यहाँ पे अपन प्रोडक्ट के नेम पे डबल क्लिक करें तो आप देखते हैं प्रोडक्ट का नेम भी यहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। रिमूव करना है तो आप यहाँ से डिलीट बटन प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। अब इसको यदि आप क्या है रिपोर्ट व्यू में देखो, अब ये तो रिपोर्ट हो गया, राइट क्लिक रिपोर्ट। अब रिपोर्ट आप देख सकते हैं कुछ ऐसी शो होगी आपकी। अब ये क्या एक बेहतर रिपोर्ट यहाँ पे तैयार हो चुकी है यदि अपन इसको प्रिंट और प्रीव्यू देखें। तो आप देख सकते हैं एक नॉर्मल से डेटा को अपन ने कैसे यहाँ पे क्या है एक रिपोर्ट में कन्वर्ट कर दिए हैं, जिसमें आपको पेज नंबर वगैरह, आप जितने पेज का डेटा होगा ऑटोमेटिक पेज नंबर यहाँ पे सेट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या होता है जो रिपोर्ट है वो आप देख सकते हैं कि एक बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पे तैयार कर पाते हैं। तो आप क्या किसी भी ऑप्शन का यूज करें रिपोर्ट बनाने के लिए, लेकिन सभी में आप क्या लेआउट व्यू पे आने के बाद जैसी रिपोर्ट चाहें वैसी आप तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे क्या होता है, ये तो रिपोर्ट का हुआ, अपन यहाँ पे क्रिएट पे आए तो इसमें तो अपन ब्लैंक रिपोर्ट, अपन ने देखा कि ब्लैंक पेज मिलता है, उसमें अपन जैसी चाहें वैसी रिपोर्ट बना सकते हैं। अब ये रिपोर्ट बिजार्ड का जो ऑप्शन होता है इसमें क्या होता है, जैसे आप रिपोर्ट बिजार्ड पे क्लिक करें तो क्यूरी बिजार्ड आता था, यहाँ पे फॉर्म बिजार्ड, तो इसमें क्या है आपको सबसे पहले क्या मिलता है टेबल। तो टेबल में क्या है आप जिस टेबल का रिपोर्ट बनाना चाहते हैं उस टेबल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है आपको सिंपल सा स्टूडेंट का बनाना है। अब इसके बाद आपको नीचे आना है तो यहाँ पे क्या है ये फील्ड, जितने फील्ड अवेलेबल हैं वो सभी शो कर रहे हैं आपको। अब इनमें से आपको अपने रिपोर्ट में किसको रखना है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो सिंपल सा हमको जैसे रोल नंबर रखना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिडिल नेम लास्ट नेम, ऐसे हमें क्या करना है इसका कोर्स और यूनिवर्सिटी ये चाहिए और कॉन्टेक्ट नंबर, इसके अलावा कोई डेटा नहीं चाहिए। अब इसके बाद अपन क्या है यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल, तो ग्रुपिंग लेवल के लिए आप कुछ यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं करना तो आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में तो अपन क्या करते हैं रोल नंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या चार चार ऑप्शन है, चार तरह से आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं, जैसे रोल नंबर के बेस पे, फिर नाम के बेस पे, फिर इसके बाद कोर्स के बेस पे, तो ऐसे क्या है अलग अलग टाइप से आप क्या है एक साथ फॉर्मेट लगा सकते हैं। अब इसमें अपन नेक्स्ट करें, इसके बाद यहाँ पे क्या आता है आपको टेबुलर चाहिए, कॉलमर चाहिए, जस्टिफाइड चाहिए, आप इनमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अपन फिलहाल क्या टेबुलर रहने देंगे और यहाँ पे पोर्ट्रेट या लैंडस्केप वो आप डिसाइड कर सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या है रिपोर्ट के लिए, यहाँ पे एमएस एक्सेस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कई सारे फॉर्मेट हैं, आप जिसका यूज करना चाहें, तो जैसे ये सेलेक्टेड था अपन इसी का यूज करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे आता है कि रिपोर्ट का आपको आप नाम क्या देना चाहते हैं, तो उस रिपोर्ट का नाम यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्लिक करना है और इसका नाम एडिट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो दो ऑप्शन आते हैं, एक तो प्रीव्यू रिपोर्ट का आता है, दूसरा मॉडिफाई का। तो यदि आप मॉडिफाई यूज करते हैं रिपोर्ट, मॉडिफाई द रिपोर्ट डिजाइन, तो इसमें क्या है आपको डिजाइन भी ओपन होगा जहाँ पे आपको मॉडिफाई करने के जो टूल्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसका क्या है डायरेक्ट प्रीव्यू देखना है रिपोर्ट कैसा दिखेगा, क्योंकि मॉडिफाई करना तो आप क्या राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू और लेआउट व्यू में जाके वहां पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए अपन क्या पहला ऑप्शन इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन क्या करते हैं फिनिश पे क्लिक करते हैं। तो जैसे फिनिश पे क्लिक करेंगे मैसेज आता है, इस मैसेज को अपन क्या करेंगे सो सम पेजेस मे बी ब्लैंक, ओके करते हैं। जैसे अपन ओके करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट है वो यहाँ पे क्या है ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या होता है अपन ने जो रिपोर्ट थी एक वो तय, अब ये क्या है रिपोर्ट का प्रिंट आउट व्यू है, इसलिए आप क्या इसमें सिर्फ जूम आउट जूम इन कर सकते हो।
आपको इस पे काम करना है तो आपका इसका व्यू जो है वो चेंज करना पड़ेगा। व्यू चेंज करने के लिए सिंपल सा क्या होता है, आप राइट क्लिक करो और यहाँ पे जिस व्यू में आप जाना चाहो, रिपोर्ट लेआउट डिजाइन, वो आप दे सकते हो। अभी करेंट टाइम में प्रिंट पे वो ओपन है। अब जैसे अपन रिपोर्ट देखें तो आप देखो रिपोर्ट में ऐसा दिखाई देगा जहाँ पे आपको डेट डेट वगैरह मिली है, पेज नंबर है। और इसी के साथ यहाँ पे जैसे अब अपने को क्या है, डिजाइन करना है, यहाँ पे टाइटल नहीं है, लोगो नहीं है, वो लगाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा राइट क्लिक और लेआउट व्यू। लेआउट व्यू में आने के बाद वो सभी चीजें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कई सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, ऑटो फॉर्मेट वगैरह है। आप यहाँ पे क्या है, अरेंज पे आएंगे तो यहाँ पे अरेंज करने का ऑप्शन है। और इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपको फील्ड को ऐड करना है कोई फील्ड तो आप ऐड कर सकते हैं, यदि रिमूव करना है वो भी कर पाएंगे। पेज सेटअप पे आते हैं तो इसमें क्या होता है, जैसे पेज की साइज वगैरह है, पोर्ट्रेट लैंडस्केप, मार्जिन सेटअप करना, और इसमें प्रिंट डेटा ओनली, तो ये क्या अलग अलग ऑप्शन है, पेज सेटअप, ये क्या है, सभी चीजें आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप डिजाइन व्यू ओपन करते हैं तो इसमें डिजाइन व्यू का मिल जाता है, जिसमें आपको सेटअप करना है इसके कि कितनी साइज पे रहे। आपको इसमें कंट्रोल्स वगैरह मिलते हैं, जैसे अपन ने लास्ट टाइम देखा था कि फॉर्म में अपन क्या बटन बनाते थे, कंट्रोल बटन अपने को नेक्स्ट जाने के लिए, बैक आने के लिए, चीजों को सर्च करने के लिए। तो ऐसे क्या है, आप रिपोर्ट में भी बनाना चाहते हैं कि यहाँ पे जब आप एमएस एक्सेस में कोई ओपन करे तो उसमें डेटा सर्च करना है, फाइंड करना है, तो वो सभी काम कर पाए, तो उसके लिए यहाँ पे आप बटन डिजाइन कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे जो अलग अलग कंट्रोल्स हैं, इसमें आपको मिलता है क्या, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड, तो आपको और भी फील्ड ऐड करना है तो उसके लिए आप ऐड का इसका यूज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लिस्ट हो जाती है, सिंपल सा आपको क्या किसी पे भी डबल क्लिक करना है, वो फील्ड यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। और फील्ड को रिमूव करने के लिए क्या होता है, आपको उस पर क्लिक करना है और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करना है, तो वो फील्ड यहाँ पे यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो इस तरह से ये डिजाइन भी काम करता है। और इसका अपन जैसे इसको क्लोज कर दें, ऐसे ये रिपोर्ट वन थी, इसको भी अपन यहाँ से क्लोज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे ये तो था, अपन ने देखा क्रिएट के अंदर कि अपन रिपोर्ट बिजार से, तो अपन यहाँ पे देखा रिपोर्ट से कैसे रिपोर्ट तैयार होती है, लेबल से, ब्लैंक रिपोर्ट से, और अपन ने रिपोर्ट बिजार देखा। अब यहाँ पे रिपोर्ट बनाने के लिए जो लास्ट ऑप्शन आता है वो आता है रिपोर्ट डिजाइन का। तो रिपोर्ट डिजाइन में क्या होता है, जैसे इस पे आप क्लिक करो तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको डिजाइन व्यू मिल जाता है, जहाँ पे सबसे टॉप पे क्या है, पेज हेडर है। हमने बताया था कि रिपोर्ट क्या तीन फील्ड यहाँ पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो हेडर में, दूसरी डिटेल्स में, और तीसरा लास्ट में फुटर में। तो आप जिसमें जो डेटा रखना चाहते हैं, अब हेडर में आता है यहाँ पे आपको क्या करना है, लेबल वगैरह इंसर्ट करना है, वो आप कर सकते हैं। यदि आपके पास ये टेबल पहले से बनी हुई है तो आप क्या, ये लिस्ट फील्ड लिस्ट है, इसमें इनका आप यूज करेंगे। लेकिन यदि आपके पास टेबल नहीं है, आप टेबल बना यहाँ पे क्या डायरेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो फील्ड है, टेस्ट बॉक्स है, लेबल बॉक्स है, इनका आप यूज करेंगे। सिंपल सा क्या है, जैसे लेबल पे अपन क्लिक करें, यहाँ पे ड्रा करें, तो आप देख सकते हैं लेबल बॉक्स आ जाता है। इसके अंदर आपको क्या करना है, कुछ भी डेटा लिखना है, जैसे नेम अपन ने यहाँ पे लिखा, नेम हो सो हो गया, तो ये क्या लेबल है। ऐसे ही आपको क्या करना है, टेस्ट बॉक्स रखना है, तो इसके सामने आप टेस्ट बॉक्स रख सकते हो। अब टेस्ट बॉक्स में क्या होता है, ये ऑलरेडी यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे क्या टेस्ट बॉक्स में ऑलरेडी लेबल के लिए बॉक्स आता है, जिसमें आप यहाँ पे डेटा लिख सकते हो। जैसे ये नेम के लिए था तो आप यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या टेक्स्ट बॉक्स में ऑलरेडी आता है, लेकिन यदि आप लेबल वगैरह लेना चाहें तो जैसे क्या होता है, हेडिंग वगैरह के लिए, उसके लिए आप लेबल ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे क्या होता है, जैसे अपन इसको सेट कर दें और इसको अपन क्या है यहाँ पे मूव करते हैं। अब इसमें अपन क्या करें, जैसे इसका राइट क्लिक करें और इसमें अपन आते हैं रिपोर्ट व्यू, तो आप देख सकते हैं नेम शो हो रहा है। अब इसमें क्या नेम डेटा नहीं है, आप डेटा एंट्री करेंगे तो ये क्या डेटा जो आप एंट्री करें, अब सिंपल सा एक बॉक्स है इसलिए एक डेटा एंट्री होगा। तो इस रिपोर्ट में क्या होगा, डिजाइन में रिपोर्ट बनाने के लिए होता है, अपन इसके जैसे डिजाइन व्यू पे आए। अब यहाँ पे यदि इन कंट्रोल्स का आपको यूज नहीं करना है, हमें क्या करना है, फील्ड हमारे पास जो टेबल है उसकी बनानी है, तो अपन सिंपल सा क्या करेंगे,
उसके लिए तो आप ब्लैंक का वैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जैसे प्लस करें और हमें बनाना है यहाँ पे ये आइटम टेबल का, तो अपन इसमें सेल्स आईडी डबल क्लिक करेंगे वो सो हो जाएगा। यहाँ पे सेल्स डेट है, सेल्स अमाउंट है और सेल्स आइटम है, ये फील्ड यहाँ पे शो हो गए। अब हमें क्या करना है, यदि आप इसको राइट क्लिक करते हैं रिपोर्ट व्यू करते हैं तो आपको कुछ ऐसा शो होता है। अब आपको क्या है, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड शो हो रहा है, आप नीचे जाएंगे तो आपको और भी रिकॉर्ड मिलेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, सभी रिकॉर्ड आपको अलग अलग टाइप में फील्ड में मिल रहे हैं, यहाँ पे सेल आईडी, फिर उसका यहाँ पे डेट अमाउंट, तो इस तरह से आप रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं। वापस आए यदि अपन इसको सेट कर दें तो जैसा आप सेट करेंगे वैसा ही डेटा यहाँ पे शो होगा। इसको अपन यहाँ पे सेट करते हैं और जैसे सेल आईडी यहाँ पे इसके नीचे शो, ऐसे क्या हो यहाँ पे जो सेल डेट है वो यहाँ पे शो हो जाए। इसी के साथ यहाँ पे क्या होता है, जैसे सेल अमाउंट है तो सेल अमाउंट को अपन यहाँ पे शो करते हैं, और इसको इंक्रीज करना है तो आप इसके कॉर्नर पे आएंगे और ये साइज आप इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही अपन सेल आइटम पे आते हैं, इसको भी सेट करते हैं। तो आप देखेंगे हमने इसको सेट कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या आता है, इनके बीच में स्पेस वगैरह जो आता है, तो इसमें जो टेबल का फॉर्मेट शो हो रहा है वो अभी क्या है, कॉलमर शो हो रहा है, यानी एक बार में सिर्फ एक डेटा शो हो रहा है। और व्यू चेंज करने का एक और ऑप्शन है, इस व्यू ऑप्शन पे आएंगे, इसका अपन रिपोर्ट व्यू देखते हैं। तो ऐसे आप देख सकते हो जितना भी रिकॉर्ड होगा वो सभी आपको यहाँ पे शो हो जाता है, लेकिन क्या है अलग अलग पेज पे शो होता है, क्योंकि इसमें जो टेबल बनती रिपोर्ट बनती है वो रिपोर्ट क्या होती है, जो रिपोर्ट का लेआउट है कॉलर के हो रहा है सिंगल बार, तो अपन क्या है इसका जो साइज वगैरह है कम करना है, वो अपन यहाँ पे क्या है कम करने की कोशिश देखते हैं कि जैसे क्या है स्पेस ये ज्यादा ले रहा है। अब क्या होता है इसमें एक पेज में एक स्टूडेंट का आपको डेटा निकालना है या एक पर्सन का निकालना है, तो उसके लिए यूजफुल होता है कि आप डिजाइन टेबल के डिजाइन रिपोर्ट का यूज करें और उसके थ्रू आप क्या है इसको यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ये था यहाँ पे क्या है रिपोर्ट क्रिएट करने का, कि कैसे आप क्या है किसी भी टेबल की रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, और उसको अपन क्या प्रिंट करने के लिए सिंपल सा क्या था कि जैसे रिपोर्ट क्रिएट है तो ये रिपोर्ट जैसे बनी हुई है आपको प्रिंट करना है, तो आप क्या यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे प्रिंट पे आएंगे और यहाँ पे डायरेक्ट प्रिंट भी कर सकते हैं और यहाँ पे प्रिंट प्यू पे आए। तो पहले अपन प्रिंट प्यू देख लेंगे सभी डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा पेज के अंदर, और उसके बाद अपन यदि पेज इस पेज पे नहीं आ रहा है आपका डेटा कट रहा है तो आप क्या लाइन स्केप फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे स्पेस है तो आपका ये डेटा होता है तो वो डेटा यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है, यदि नहीं है तो आप इसको पोर्ट्रेट यूज कीजिए। फिर आपको यहाँ पे करना क्या है, प्रिंट ऑप्शन पे जाना है। अब इसमें क्या सबसे पहले प्रिंटर आता है तो आपको अपना प्रिंटर सेलेक्ट करना है। अब ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट टू पीडीएफ, तो ये क्या है अपने पास प्रिंटर कनेक्ट नहीं है तो इसलिए क्या है प्रिंट टू पीडीएफ यूज करेंगे। अब इसके क्या है यहाँ पे जैसे ऑल पेजेस का आपको पेज सेलेक्ट करना है, पर्टिकुलर किसी पेज को देना वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यदि सभी पेजेस करना है तो ऑल पेजेस करेंगे। आप एक पेज की कितनी कॉपी आपको रखनी है वो आप नंबर ऑफ कॉपी पे दे सकते हैं। इसके बाद जैसे आप ओके करेंगे तो ये क्या है यहाँ पे पीडीएफ में सेव होगा, इसलिए ये क्या है यहाँ पे पूछ रहा है तो अपन इसका नाम दे देते हैं कस्टमर रिपोर्ट नाम से, तो इसका अपन ने पीडीएफ का नाम दिया कस्टमर रिपोर्ट, इसको अपन सेव करते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये जो फाइल है ये क्या है पीडीएफ के फॉर्मेट में हमारे पास सेव हो चुकी है, तो इस तरह से आप किसको क्या पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर आप शेयर कर सकते हैं, या आप नॉर्मली इसको सेव करके और इसका रिपोर्ट बना के प्रिंट आउट निकाल के भी शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रिपोर्ट समझ में आई होगी, यदि नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं, उससे रिलेटेड जो भी आंसर होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा।